सिरोंज तहसील के कर्राखेड़ी गांव में स्कूल छत की मरम्मत के नाम पर एक पतली जाली बिछा दी गई है और उस पर सीमेंट का घोल डालकर 4.5 लाख रुपए निकाल दिए गए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही छत से पानी टपकने लगा और जगह जगह से झड़ने लगी। उसमें कई जगह दरारें भी पड़ चुकी है। इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के ऊपर भी हमेशा खतरा मंडराता रहता है। हालांकि मामले की शिकायत सिरोंज SDM हर्षल चौधरी से की गई है। उन्होंने जाँच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। स्कूल के वर्तमान प्राचार्य लक्ष्मीचंद कोहली ने बताया कि 4.5 लाख रुपए की राशि विभागीय संपत्तियों के रखरखाव के लिए आई थी। तत्कालीन प्राचार्य ने इस राशि से काम कराया और उसका मूल्यांकन भी उस समय इंजीनियर ने किया, लेकिन यहां घटिया मरम्मत कुछ दिन भी नहीं टिका। सवाल यहां उठता है कि मूल्यांकन करने वाले इंजीनियर को स्कूल के भवन के छत में काम के नाम पर की गई लीपापोती क्यों नजर नहीं आई, या जानबूझकर लीपापोती को नजरअंदाज किया गया। यहां सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या मूल्यांकन करने वाले इंजीनियर और तत्कालीन प्राचार्य की मिलीभगत से 4.5 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। संवाददाता निजाम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और ये कौन सा स्कूल है? मेरा नाम लक्ष्मीचंद कोहली, मैं यहाँ का संस्था का प्रभारी हूँ। और सर एक और ये मामला है सर, ये बिल्डिंग की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लगभग कितनी राशि स्वीकृत हुई थी और क्या काम हुआ है यहाँ पे, और ये आपके कार्यकाल का काम है या नहीं? ये मेरे कार्यकाल का काम तो नहीं है, ये राजेश टेलर जी के समय का काम है। और ये 4.5 लाख लगभग रिपेयरिंग के लिए, छत की मरम्मत के लिए आया था और वो काम हुआ है, उसका वैल्यूएशन भी हुआ है। ये आपके माध्यम से अभी मैंने फ़ोटोज़ भी देखे हैं उस छत के, और प्रथम दृष्टया उसका निर्माण कार्य एकदम घटिया समझ में आ रहा है। कर्राखेड़ी स्कूल में हम जो भी संबंधित इंजीनियर हैं उसको पाबंद करते हैं कि वो जाके उसको विज़िट करे, दूसरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भी बोलते हैं। और यदि गुणवत्ता का कार्य नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इसके लिए जो भी उत्तरदायी है उसको हम जिम्मेदार ठहरा के कार्रवाई करेंगे। वो कैसे ऐसा हो सकता है सर, वो बहुत पतली बनी है और जैसे में बच्चों को पढ़ गया, बच्चे पढ़ाई करते हैं इसके नीचे कार्रवाई नहीं। यदि निर्माण कार्य घटिया है तो बिल्कुल इसका ये प्रभाव हो सकता है कि वो कभी भी गिर जाए। अगर निर्माण कार्य में गुणवत्ता में कहीं से भी कमी है तो उसमें हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।